और चलिए बात करेंगे मुरैना की। मुरैना से गुजरात जाने के लिए निकले यहाँ पर एक युवक का शव बीते रोज उटीला के एक कुएं में मिला है। शव काफी गला हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि युवक जब गुजरात जा रहा था तो वो यहाँ पर जो है उटीला कैसे और साथ ही क्यों पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों की जो है यहाँ पर सूचना पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त कराई, तो यहाँ पर शव की पहचान शैलेंद्र गुर्जर जिला मुरैना बानमोर निवासी के रूप में हुई है। जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला है कि यहाँ पर बीते रोज ही मृतक घर से गुजरात जाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन वो उटीला कैसे पहुंचा ये रहस्य बना हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि यहाँ पर मृतक के शैलेंद्र गुर्जर के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला है और जिसके जरिए मृतक के नाम और साथ ही पते की जानकारी हुई। शव काफी गल चुका था और साथ ही कीड़े भी पड़ चुके थे। लगता है कि यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर शव काफी पुराना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पुलिस के जो है मृतक के परिजन और साथ ही घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। मैं एक बोरे में बंधी हुई एक लाश मिली और इसको जब निकाला गया तो ये एक युवक की लाश थी, जिसका कि अभी पीएम कराया जा रहा है। और इसकी शिनाख्त मुरैना के पहाड़ी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में हुई है। अभी इसमें मर कायम करके और निश्चित तौर पे एक प्रथम दृष्टि हत्या प्रतीत हो रही है, तो हत्या का प्रकरण दर्ज करके और अग्रिम विवेचना की जाएगी।